स्वागत है आप सभी का नव भारती परिवार में। तो आज के इस वीडियो में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का फिफ्थ पार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं और कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप्स देखो। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेक अ कार्बन कंपाउंड और अ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टीज और फंक्शंस इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। यानी कि एक एटम या फिर कई सारे एटम जो किसी कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव बनाता है और उसकी प्रॉपर्टी भी डिसाइड करता है कि वो किस तरह का होगा, उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये सब डिसाइड करता है, उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई एक एटम भी हो सकता है या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। ठीक है, एटम भी हो सकता है ये कोई, है ना, या फिर ग्रुप भी हो सकता है एटम्स का। तो जब ये किसी कार्बन के साथ कंबाइन होता है या किसी कार्बन कंपाउंड के साथ कंबाइन होता है तो उसको ये रिएक्टिव बनाता है और उसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है या उसके फंक्शंस डिसाइड करता है। तो उन एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्योंकि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी और कंपाउंड की, किसी और कार्बन कंपाउंड के फंक्शंस को मैनेज करता है, उसकी प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है, उनको उनमें चेंज लाता है। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप्स भी कई तरह के होते हैं, कई तरह के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक एक करके हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी पहले मैं आपको थोड़े से लिस्ट बता देती हूँ कि हम किन किन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है हेलो ग्रुप। ठीक है, सबसे पहला हेलो ग्रुप है, इसको हम हेलो एल्केन्स भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला ग्रुप है हेलो ग्रुप। इसमें क्या होता है? कार्बन कंपाउंड के साथ एक्स अटैच होता है, यानी कि किस तरह से होता है? सी एक्स। अब ये बात आई कि सी तो ठीक है, सी के साथ तो हाइड्रोजन भी अटैच है, हमें पता है, हमने समझ लिया इस चीज को कि हाइड्रोजन भी अटैच होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। पर ये एक्स क्या होता है? एक्स होते हैं हेलोजेंस। अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ये हेलो एल्केन है। तो हेलो में क्या, हेलो एल्केन में क्या है? हेलो तो क्या है हमारा? हेलोजेंस का है और एल्केन आपको पता ही है एल्केन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इसलिए इसको हेलो ग्रुप का है क्योंकि ये हेलो एल्केन्स के बारे में इसमें बात हो रही है। हेलो एल्केन फंक्शनल ग्रुप है इसमें। ठीक है, हेलो एल्केन। तो हेलो क्या होता है? हेलोजेंस। हेलोजेंस कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन। सीएल क्या होता है? क्लोरीन। बीआर क्या होता है? ब्रोमीन। आई क्या होता है? आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि कार्बन कंपाउंड के साथ एक्स जुड़ा हुआ है, यानी कि हेलोजेन जुड़ा हुआ है। वो हेलोजन कौन कौन से हो सकते हैं? या तो क्लोरीन हो सकता है, सीएल हो सकता है, बीआर हो सकता है यानी कि ब्रोमीन हो सकता है, या फिर आई भी हो सकता है, कैपिटल आई। कैपिटल आई क्या होता है? आयोडीन। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या होते हैं? हेलोजेंस। हेलोजेंस और एल्केन मिलके क्या बनाते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं? हेलो एल्केन। ठीक है, अभी हम हेलो एल्केन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आते हैं सेकेंड फंक्शनल ग्रुप पे, एल्कोहल ग्रुप। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, बाकी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अब एल्कोहल ग्रुप क्या होता है? एल्कोहल, आपने नाम सुना होगा एल्कोहल का, है ना? तो क्या होता है? कार्बन कंपाउंड के साथ, मैं यहां सी लिख रही हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सी है इसके साथ, है ना, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सी है, इसमें एच भी जुड़े हुए हैं ना, है ना। तो सी के साथ क्या जुड़ा हुआ होता है? ओ यानी कि ऑक्सीजन और एच। समझ में आया? एल्कोहल ग्रुप के आगे मैंने यहाँ ओ एच मेंशन किया है, यानी कि एल्कोहल ग्रुप का सफिक्स क्या लगता है, मतलब एल्कोहल ग्रुप का क्या सिंबल होता है? एक तरह से ओ एच होता है। तो किसी कार्बन कंपाउंड के साथ जब ओ एच जुड़ता है, इसका मतलब कि वो एल्कोहल ग्रुप का एल्कोहल ग्रुप है। इधर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्कोहल है। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड के साथ OH इज एल्कोहल। नेक्स्ट होता है थर्ड अपना एल्डिहाइड। जब कार्बन कंपाउंड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अपना CH4 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल CH4 के साथ अगर एल्डिहाइड जुड़ेगा तो क्या होगा? CHO। CH4
के साथ क्या जुड़ेगा? CHO। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि इनके सबके आगे जो ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं ये ही हमारे स्ट्रक्चर्स में लगेंगे, सारे स्ट्रक्चर में ये ही लगेंगे। जैसे एल्डिहाइड के लिए CHO, कीटोन के लिए CO, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए क्या होगा COOH, ऐसी एल्कीन के लिए क्या होता है C डबल बॉन्ड C, ये सिंबल होता है। एल्काइन ग्रुप के लिए क्या होता है C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड, इस तरह से होता है एल्काइन के लिए, है ना। तो जो एल्डिहाइड के आगे सिंबल लगा हुआ है ये कार्बन कंपाउंड के साथ कंबाइन होकर CH हो जाएगा। कीटोन ग्रुप फॉर एग्जाम्पल CH4, ये किसके कंबाइन होगा? अगर कीटोन ग्रुप का है तो ये CO लग जाएगा इसके आगे। आप सब अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज मैं बता रही हूँ कि ये जो ब्रैकेट्स में है ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको नजरअंदाज करना बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। तो अब कीटोन ग्रुप में CO लग जाता है, है ना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में COOH लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। एल्कीन में मैंने आपको बताया था बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड, एल्काइन में बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड, इस तरह से हो जाएगा। और इधर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये एल्काइन्स के लिए है और ये एल्केन्स के लिए है, मतलब इस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमारे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बेसिक जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये फंक्शनल ग्रुप्स पे ही बेस्ड है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स और जो अपने ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इन पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है, इनकी प्रॉपर्टीज पे ही हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। सो हैव अ लुक ऑन हेलो ग्रुप। सबसे पहले पढ़ेंगे हेलो ग्रुप या फिर हेलो एल्केन्स जिसे कहते हैं। तो हेलो एल्केन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, किस चीज से बन के मिला है ये वर्ड। हेलो मीन्स हेलोजेन एंड एल्केन्स मैंने आपको बताया था ये हाइड्रोकार्बन होता है ना। एल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ना। हमने दो तरह के हाइड्रोकार्बन पढ़े थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, है ना। तो अब हेलो एल्केन्स पे आते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अब अपन, कैसे इनकी नेमिंग होती है, कैसे ये बनते हैं। तो क्या होता है, जब एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन एटम हट जाता है, फॉर एग्जाम्पल एल्केन है हमारे पास, एक एल्केन है, मीथेन है मेरे पास, मीथेन क्या है, एक एल्केन है, लास्ट में एन आ रहा है तो क्या है ये एल्केन। तो इसमें क्या हुआ, मैंने एक हटा दिया मैंने हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 हो जाएगा। अब CH3 तो हो गया, एक हाइड्रोजन एटम तो हट गया, पर अब क्या आ जाएगा, हेलो ग्रुप आ जाएगा। हेलो ग्रुप मतलब हेलोजेन आ जाएगा कोई मेरे पास, या तो क्लोरीन आएगा अटैच होने के लिए इसके साथ, या ब्रोमीन आएगा, या फिर आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन, तो कोई भी ग्रुप आ सकता है यहाँ पे। इसलिए हम X लिख देते हैं। X किस किस को बोलते हैं हम, क्लोरीन को बोलते हैं, ब्रोमीन को बोलते हैं, आयोडीन को बोलते हैं। तो मान लो मैंने इसको मैंने किससे रिप्लेस किया, ब्रोमीन से रिप्लेस किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक हाइड्रोजन एटम हटाया और ब्रोमीन मेरे को ऐड करना है, तो CH3Br हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया, ठीक है। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, CH3 क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है ना। तो देखो सबसे पहले क्या ऐड करेंगे हम, पहले हेलोजन का नाम हम रखते हैं। अगर ब्रोमीन है तो मैं क्या लिखूंगी, ब्रोमो, ठीक है। क्लोरीन है तो क्लोरो, आयोडीन है तो आईओडीओ, इस तरह से मैं लिखूंगी। उसके बाद हमारे क्या बच रहा था, इधर की साइड क्या था हमारे पास, इधर की साइड क्या था, मीथेन, तो ब्रोमो BR है तो ब्रोमो, और ये क्या था, मीथेन, तो ब्रोमो मीथेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको डिटेल में समझते हैं। देखो इधर मीथेन था, यही जो मैंने सेम चीज लिखी, मीथेन था यहाँ पे CH4। हमने एक हाइड्रोजन को हेलोजेन यानी कि Cl से, क्लोरीन, Cl क्लोरीन होता है, उससे हमने रिप्लेस करा, तो क्या हुआ, CH3 हो गया, एक हाइड्रोजन हट गया, तो 4-1 कितना होता है 3, तो CH3, और क्लोरीन ऐड हुआ तो CH3Cl हुआ। नेमिंग कैसे करते हैं, पहले जो हेलोजन ग्रुप होता है उसका नाम लिखते हैं, क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखते हैं, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ठीक है।
ब्रोमीन के लिए लिखते हैं ब्रोमो, मैंने आपको बताया था अभी। और आयोडीन अगर आए, आई आयोडीन अगर आए तो क्या लिखते हैं, आयोडो, आई ओ डी ओ आयोडो, ठीक है। क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। उसके बाद आपके पास जो एलिमेंट था, आपके पास जो एलिमेंट कह रही हूं मैं, कंपाउंड था, कार्बन कंपाउंड था, क्या था, मीथेन, तो उसका नाम आ जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन डिपेंड करता है। अब इधर ये टेबल देखो, सी एच क्या लिखा है, सी एच थ्री सी एल, कितने कार्बन है, वन है। ये वाला सी तो क्लोरीन का है, इस चीज को ध्यान देना, ये वाला सी तो क्लोरीन का है, हमारे पास तो कार्बन एक ही है, एक है, एक कार्बन है तो क्या होगा, मेथ, और ये एल्केन की बात हो रही है तो क्या होगा, एन, तो मीथेन, मेथ प्लस एन मीथेन। और आगे क्या लिखा जाएगा, कौन सा हेलोजन ग्रुप लिखा जाएगा, क्लोरो, क्लोरो क्लोरीन है ना, आगे क्लोरीन लगा हुआ है मीथेन के साथ में, तो क्लोरोमीथेन। ऐसे ही टू कार्बन एटम है तो एथ होता है, तो क्लोरोइथेन। इसी तरह से फिर क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन क्यों, क्योंकि तीन कार्बन एटम्स हैं, और क्लोरोब्यूटेन क्योंकि चार कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से हेलो एल्केन की नेमिंग होती है, और एक कार्बन रिप्लेस करके हम हेलोजेन ऐड करते हैं। हेलोजेन क्या होता है, क्लोरीन ब्रोमीन या फिर आयोडीन, और इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। तो अगर एक्स लिखा हुआ किसी एल्केन के आगे तो समझ जाना कि ये हमारा हेलो एल्केन है, ठीक है। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, ये मैंने बुक में से एक फोटो ली है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं हेलो एल्केन्स के, तो इन पे एक बार देखो। CH3Cl क्या होगा, अभी बताया था मीथेन होगा, क्लोरोमीथेन है ना, पर इसका कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। क्यों होगा मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि देखो मिथाइल CH3 क्या होता है, मिथाइल होता है, और Cl को क्या कर रहे हैं, क्लोराइड बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड। ऐसे ही C2H5Cl, C2 है, दो कार्बन है, तो क्या होगा, इथेन, और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, Cl, तो क्लोरोइथेन। इसका कॉमन नेम क्या होगा, इथाइल क्लोराइड। रीजन, इथाइल ग्रुप है एल्काइल, मैंने आपको लास्ट में एल्काइल ग्रुप बताया था, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन्स के अलावा भी एक एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप कैसे बनता है, जब हम एल्केन में से वन हाइड्रोजन हम रिमूव कर देते हैं तो वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एल्काइल ग्रुप बनता है, तो इसमें दो कार्बन एटम्स है, तो इथाइल आया है और Cl लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये क्लोराइड। थर्ड एग्जाम्पल है C3H5Cl, इसको हमें IUPAC मेथड से हमें नेमिंग करनी है, तो क्या होगा, C3 है, C3 है हमारे पास, तो एथ मेथ प्रोप, प्रोप आता थर्ड नंबर पे, और प्रोपेन, और आगे क्या लगेगा, क्लोरो, क्योंकि कौन सा हेलोजन है यहाँ पे, Cl हमारे पास हेलोजन अटैच्ड है, तो क्लोरो प्रोपेन। इसका कॉमन नेम क्या होगा, प्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि एल्काइल ग्रुप है सेम, इसीलिए ही प्रोपाइल हो गया ये, प्रोपाइल क्लोराइड। नेक्स्ट ग्रुप पे आते हैं हम, एल्कोहल्स पे। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू कार्बन एटम इज नोन एज एल्कोहल ग्रुप। अब यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, इसमें यू ऐसे बोला गया है कि अगर किसी कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है तो हम उसको एल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एल्कोहल में क्या जुड़ता है, एल्कोहल अगर किसी कार्बन कंपाउंड से जुड़ रहा है तो उसके साथ क्या जुड़ जाता है, कार्बन के साथ क्या जुड़ता है, OH। अब ये OH क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोला गया है ना, ये OH को बोला है, OH इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये। तो अगर किसी कार्बन एटम के साथ में अगर हमें OH जोड़ना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 के साथ अगर हम एल्कोहल जोड़ेंगे, एल्कोहल तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल का क्या होता है हमारे पास सिंबल, CH4 और क्या होगा, OH, CH4OH, इस तरह से हम एल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। OH क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जब वो किसी के साथ कंबाइन होता है तो वो OH उसके लास्ट में जुड़ जाता है, स्टार्टिंग में नहीं जुड़ता है, लास्ट में जोड़ते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, यानी कि OH को, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी अभी तक। तो अब ये हो गई स्ट्रक्चर की बात,
अगर अल्कोहल में हमें नेमिंग करनी हो तो हम कैसे करते हैं? अल्कोहल में सफिक्स जो होता है, सफिक्स यानी कि नेम हमारा कैसे लगता है इसमें, हमारे कार्बन कंपाउंड का नेम कैसे लगता है? सफिक्स में क्या जाता है? ऑल, यानी कि जब हम नेमिंग करते हैं ना कार्बन एटम को, जब हमने अल्कोहल के साथ कंबाइन करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड किया है तो क्या लग जाता है? ऑल। जैसे कि मान लो मीथेन के साथ हमने अल्कोहल मिस करा, ज्वाइन मीथेन के साथ करा, तो क्या हो जाएगा? ये मीथेन और अल्कोहल गिव्स मीथेनॉल, ठीक है? मीथेन यानी कि CH4 और अल्कोहल क्या बना? मीथेनॉल, ठीक है? मीथेनॉल बनेगा और CH4OH लग जाता है लास्ट में, है ना? स्ट्रक्चर में तो OH लगता है और अगर नेमिंग करते हैं तो OL लगता है, अल्कोहल का OL लगता है, अल्कोहल का OL। और आगे क्या जाता है? जो कार्बन एटम का या कार्बन कंपाउंड का नाम होता है। तो अब ये हो गया अपना अल्कोहल। अब आते हैं नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड पे। तो एल्डिहाइड क्या होते हैं? एल्डिहाइड आर द कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप, वो कार्बन कंपाउंड जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? CHO ग्रुप। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था एल्डिहाइड में क्या ऐड होता है? CHO। यानी कि एल्डिहाइड वो कार्बन कंपाउंड्स के साथ, क्या कह रही हूँ मैं, ये एल्डिहाइड आर द कार्बन कंपाउंड्स, ये वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है? द टू सिंपल एल्डिहाइड्स। अब दो सिंपल और बहुत ही कॉमन नेम्स वो क्या है? एक तो फॉर्मेल्डिहाइड है और एक एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है? फॉर्मेल्डिहाइड को HCHO की तरह लिखते हैं, यानी कि इसमें एक कार्बन एक हाइड्रोजन होता है और बाकी CHO जुड़ जाता है। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड। इसको मिथेनॉल भी कह सकते हैं हम। और एक होता है एसिटाल्डिहाइड, तो CH3 और बाकी CHO किसका? एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का CHO होता है ये, इसको क्या कहते हैं? मिथेनॉल। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n और O, और इसका सफिक्स क्या जुड़ जाता है? अल। फॉर एग्जाम्पल मीथेन के साथ अगर हमने एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ा तो क्या होगा? मीथेन अल। अल कहां से आया? एल्डिहाइड के Al से। जैसे कि अल्कोहल में लास्ट में Ol लगता है, वैसे ही इसमें लास्ट में क्या लगता है? Al। ये एल्डिहाइड है वो अल्कोहल था, ऑल लगता था उसमें, इसमें अल लगता है, तो मीथेन प्लस एल्डिहाइड गिव्स मीथेन अल, एक हाइड्रोजन होता है और बाकी CHO क्या है? अपना एल्डिहाइड। ऐसे ही इसमें CH3 और CHO क्या है? एल्डिहाइड। CH2 CH3 क्या है? कार्बन कंपाउंड। और CHO क्या है? एल्डिहाइड। ऐसे ही इसमें CHO एल्डिहाइड और ये क्या है? कार्बन कंपाउंड। तो जितने कार्बन होंगे ना, जैसे वन काउंट करता है, देखियो वन कार्बन है तो क्या आएगा? मिथ, तो मिथेनल, ठीक है? अल क्यों लगा? क्योंकि CHO लगा हुआ है। ऐसे ही टू कार्बन है, वन टू, तो इथेनल। ऐसे ही थर्ड वाले में वन टू एंड थ्री कार्बन है तो प्रोपेन और अल, प्रोपेनल। ऐसे ही इसमें वन टू थ्री फोर कार्बन एटम्स है तो ब्यूटेन अल, अल क्योंकि एल्डिहाइड का सफिक्स अल है और CHO इसका एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है? तो ये था एल्डिहाइड्स। अब आते हैं नेक्स्ट ग्रुप कीटोन पे। तो कीटोन्स आर द कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग कीटोन ग्रुप। तो ये ऐसे कार्बन कंपाउंड होते हैं जिनमें कीटोन ग्रुप होता है। कीटोन ग्रुप कौन सा होता है? CO। CO क्या होता है? इसमें डैश CO डैश, यानी कि यहां से भी कुछ जुड़ा हुआ है और यहां से भी कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है? एल्डिहाइड में हमने पढ़ा CHO, एल्कोहल में पढ़ा OH, कीटोन्स में होता है CO और इसका सफिक्स क्या होता है? ओन। वन लिखा है पर इसको क्या बोलते हैं? ओन बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना? जैसे कि वन टू थ्री कार्बन एटम्स है तो प्रोपेन ओन, प्रोपेन ओन। वन टू थ्री फोर कार्बन एटम्स है तो ब्यूट, फोर पे बट होता है, ब्यूट होता है ना, तो ब्यूटेन और ओन, ब्यूटेन ओन। ऐसे ही फाइव कार्बन एटम्स तो पेंट, पेंटेन नोन। सिक्स है, हेक्स होता है, हेक्जे नोन। इस तरह से कीटोन्स को
नेम किया जाता है, लास्ट में ओन जुड़ता है और स्ट्रक्चर में क्या होता है सीओ, देखो सीओ है इधर, सीओ के इस साइड भी कुछ है, इस साइड भी कुछ है, ऐसे ही इस वाले सीओ में राइट हैंड साइड पे भी कुछ जुड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ जुड़ा हुआ है, इसमें यही होता है। सीओ इस तरह से होता है, इस साइड भी कुछ जुड़ा हुआ होगा, इस साइड भी कुछ जुड़ा हुआ होगा, ऐसे ही इसमें इस साइड ये जुड़ा हुआ है सीओ के, इस साइड ये पूरा, इस साइड ये सिर्फ CH3 यानी मिथाइल और इधर ये पूरा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेक्सेनोन, पेंटेनोन, ब्यूटेनोन और प्रोपेनोन, इस तरह से इसकी नेमिंग की जाती है। तो आइए कीटोन्स की नेमिंग को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये कैसे होता है। यहाँ मैंने एक बुक का एक पेज की स्लाइड बनाई है मैंने। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, कीटोन में लास्ट थ्री लेटर्स मेक ओन, ठीक है, लास्ट में क्या लगता है, ओन लगता है, ओन सफिक्स होती है इसकी, सफिक्स होता है कीटोन बाय द लास्ट ई पेरेंट एल्केन, एल्केन का ई हट जाता है, ये सिर्फ एल्केन के साथ ही कंबाइन होते हैं, और एल्केन में जो मीथेन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मीथेन है तो MeThane है, तो उसमें हम लास्ट में ई हटा के, लास्ट का ई रिमूव करके और ओन जोड़ देते हैं, ऐसे सब सारे एल्केन्स के साथ होता है जब वो कीटोन ग्रुप के साथ जुड़ते हैं। तो देखो अब सबसे पहले कंपाउंड की नेमिंग की है IUPAC मेथड से। CH3COCH3 ऑल्सो कंटेन्स कीटोन ग्रुप, इसमें कीटोन ग्रुप है कैसे, CO आ रहा है, CO आ रहा है वो क्या है, कीटोन ग्रुप है, ठीक है। अगर CHO आ रहा है तो वो कीटोन नहीं है, वो एल्डिहाइड है। तो देखो इधर क्या होता है, ये कार जो C और O है वो आपस में किस तरह से जुड़े हुए होते हैं, इस तरह से, यह है कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, आप इधर देख सकते हो ये चीज, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन इस तरह से जुड़े हुए होते हैं कीटोन में, ठीक है। और इस साइड मिथाइल ग्रुप है, तो 1, 2, 3 कार्बन एटम्स है, तो क्या होगा, एथ मेथ प्रोप, प्रोपेन नोन, ई हट गया प्रोपेन का और ओन जुड़ गया, तो प्रोपेन ओन इस तरह से इसका नाम हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 1, 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम्स है, एथ मेथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटेन, ई हट गया, ऑन लग गया, तो ब्यूटे नॉन, इस तरह से हम कीटोन्स की नेमिंग करते हैं। बहुत ही इजी होता है, इसमें सी और ओ ग्रुप इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, आप ये ध्यान रखना, इस तरह से हमारा सी और ओ ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ये ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इसको ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं हम। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, वो कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कौन सा होता है, C double O H, जिस भी एल्केन्स के साथ अगर C double O H ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, C double O H कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो वो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसका सफिक्स क्या होता है, सफिक्स यानी कि बाद में आने वाला, बाद में किसी वर्ड के जो बाद में लगाते हैं हम, ठीक है, और प्रीफिक्स यानी किसी वर्ड के जो पहले लगता है, ठीक है, ये होता है प्रीफिक्स सफिक्स। तो देखो इसकी नेमिंग कैसे होती है, मीथेन जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंबाइन हुआ तो मीथेन, ई हट गया, क्या सफिक्स जुड़ेगा, ओइक एसिड, मीथेन ओइक एसिड, तो क्या हो गया, मिथेनोइक एसिड बन गया। इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है और बाकी C double O H ग्रुप, जैसे ये मैंने आपको बताया था C double O H ग्रुप बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या ग्रुप होता है, C double O H, तो इसमें C double O H जुड़ गया, एक कार्बन था तो एक कार्बन के क्या होता है, मीथेन, दो कार्बन के क्या होता है, 1, 2 ईथेन, तो इथेनोइक एसिड, 2 और 1, 3 है तो प्रोपेनोइक एसिड, ओइक एसिड लगेगा लास्ट में, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि C double O H होता है ना जब, तो ओइक एसिड लगता है लास्ट में, एल्केन के लास्ट में, ठीक है। फोर्थ है ब्यूटेनोइक एसिड, तो 3 और 1, 4, तो ये क्या हो गया, 4 कितना होता है, ब्यूट, तो ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है।
एक बार लेट्स नेम द कंपाउंड्स HCOOH बाय IUPAC मेथड. अब थोड़ा एक कार्बोक्सिलिक एसिड की देखते हैं नेमिंग किस तरह से होती है. एक चीज देखो, एक एसिड किस तरह से कनेक्टेड होता है, ये COOH आपस में कैसे होते हैं. ये C, एक O इधर है, एक O इधर होता है और H. COOH. तो अगर हमने एक हाइड्रोजन इस साइड जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, ये मीथेनोइक एसिड. क्यों? इसकी कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई है, अब कहीं से भी फ्री नहीं है. ये ओइक एसिड लगेगा और कार्बन कितना है, वन. वन के लिए मीथेन है, मीथेन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनता है, मीथेनोइक एसिड. सेकेंड वाला देखो, इसमें दो कार्बन है, CH3COOH. IUPAC मेथड से इसको नेम करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है. तो दो कार्बन है, मेथ एथ. तो इथेन ई हट जाएगा लास्ट में से, देखो रिप्लेस कर देंगे ई को, ओइक एसिड लग जाएगा लास्ट में. तो इथेन और ओइक एसिड क्या होगा, इथेनोइक एसिड. इस चीज को ध्यान से देखना, इथेनोइक एसिड. तो ये क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम. और इसको कैसे हम बनाते हैं, एक साइड पे तो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाएगा, बाकी बचे हुए कितने एलिमेंट्स बचे, एक सी हो गया, सी हो गया एक हमारा, ठीक है, सी हो गया, एक ओ हो गया, दूसरा ओ हो गया, एक एच हो गया, COOH हो गया. बाकी क्या बचा, एक सी बचा और थ्री एच एस बचे. तो देखो ये क्या बन गया, इथेनोइक एसिड. तो इस तरह से हम इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं और स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है. और इसका कॉमन नेम क्या होगा, एसिटिक एसिड. इसका कॉमन नेम होगा एसिटिक एसिड और HCOOH का क्या होगा, फॉर्मिक एसिड. ये आप याद रखना, ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि इनके कॉमन नेम क्या होते हैं, इसका कॉमन नेम क्या होता है. अब एक चीज आपने देखी होगी, फॉर्मिक एसिड किसमें होता है, जब एंट बाइट कर लेती है, ठीक है, चींटी के काटने पर इचिंग क्यों होती है, क्योंकि उसके डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड. तो ये एसिड है तो इसीलिए क्या, फॉर्मिक एसिड क्या कॉज करता है, इचिंग, ठीक है. तो ये थे अपने सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स. तो हमने इस वीडियो में सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स हमने कवर कर लिए हैं. तो अगर आपको ये फंक्शनल ग्रुप्स की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.